नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करुछु अधुरी प्रथमे हेडलाइंस आसंता कालीठू कैंपेन मोड्रे आरंभ हो टीकाकरण प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण लक्ष्य ब्लॉक व म्युनिसिपैलिटी रे जोरदार हो वैक्सीनेशन समस्त जिलापाल स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निर्देश राज्य में 24 घंटे 3577 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 571 नुआ केस पुणी 40 जीवन नेला वायरस 3590 पहुंचला मोट मृत्यु संख्या सेपटे देश में ह्रास पाउछि आक्रांतों संख्या पंचभूत लीन है तपु मिश्रों पार्थिव शरीर सत्यनगर श्मशान में शेषकृत संपन्न 28 दिन संग्राम पर कोरोना युद्ध में हारिगले दुई दशंधि धरी ओडिया इंडस्ट्री को देखते अनेक अभुला गीत शोक व्यक्त कले विशिष्ट व्यक्तित्व और फैंस कटक कलेज छक विवश कांड दोकान बारंडारे सोइथिबा व्यक्ति को हत्या जड़े महिला गुरुतर मर्डर पछरे आहतों स्वामी संपृक्ति सन्देह मालगोदाम पुलिस छानभिन आज सेवायतों कोविड टेस्ट स्नान यात्रा सामिल सेवायतों चली परीक्षा जून 24 में महाप्रभु देवस्नान पूर्णिमा सेपटे आज श्रीमंदिर में श्रीजीव राजेन्द्र अभिषेक नीति राज्य अन्य स्थान में भक्तशून्य रथयात्रा दाबी रास्ता को ओह्लैले जगन्नाथ प्रेमी गत वर्ष कोरोना कारण कही पूरी घोषयात्रा न कराइबा को योजना करते राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट निर्देश पर बिना भक्त गढ़ा रथ जम्मू काश्मीर को नहीं महामंथन दूर होपे राजनैतिक अस्थिरता सब् पार्टी को मीटिंग पर निमंत्रण 24 जून में प्रधानमंत्री डाकी सर्वदलीय बैठक आसो संपूर्ण खबर को आसंता कालीठू कैंपेन मोड्रे आरंभ हो टीकाकरण प्रक्रिया केन्द्र सरकार को नुआ टीका नीति अनुजाई हो टीकाकरण प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण करने टार्गेट रखिंट सरकार आसंता काली राज्य समस्त ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी रे कैंपेन मोड रे हेबो टीकाकरण उभय राज्य आनीथिबा ओ केंद्र सरकार जोगाइथिबा टीका लोकों को दियाजिबो प्रत्येक ब्लॉक रे 5टी सेशन एनएससी रे 5टी लेखाए सेशन पौर परिषद रे 10टी एवं महानगर निगम रे 20टी सेशन करिबा पई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कोआजिछे उभय ऑनलाइन ओ ऑफलाइन टीकाकरण पई जिला स्तर रे योजना कराजिबो सठिक समय रे द्वितीय डोज दियाजिबा उपरे गुरुत्व दिया जाउछे एने समस्त जिलापाल को स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निर्देश देने अधिक सूचना आम सहित फोनलाइन जोड़ रही भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य वर्तमान समय विशेषकर फोकस दि जाऊँगी टीकाकरण को आए जो कैंपेन मोड्रे आ टीकाकरण प्रक्रिया ये के लोक सहायक हे देखो माधुर निश्चित भाव में जितेबाद प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय टीकाकरण करागला संपूर्ण भाव केन्द्र सरकार यहाँ मागणा जोगाई प्रत्येक राज्य मानक जो मैंने फ्रंटलाइन वारियर मैंने रेले जो मैंने साक्षर मैंने रेले कि एल्डर एज रो मैंने ग्रुप रोक मैंने रेले से टीकाकरण संपूर्ण मागणा भाव करागला केन्द्र सरकार टीका जोगाई राज्य मैंने विभिन्न टीका केन्द्र जरिया लोक टीकाकरण करागला तृतीय पर्याय टीकाकरण जो आसला युव वर्ग टीकाकरण प्रक्रिया से राज्य मानक अधिकार दिगला से टीका कि युववर्ग टीकाकरण करें विभिन्न राज्य विफल होवर बाध्य केन्द्र सरकार गोटे चूड़ा निष्पत्ति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामना को आिक्लेयर करते युववर्ग टीकाकरण को संपूर्ण मागणा करने सहित किभली यहाँ मसी मोड्रे डिसेंबर मस सुधा शेष होने गोटे नुआ गाइडलाइन जारी करते केन्द्र सरकार आसंता काली नुआ गाइडलाइन अनुसार समग्र भारतवर्ष टीकाकरण जहां ओडिशार गोटे सर्कुलर जारी कर स्वास्थ्य विभाग किभली टीकाकरण प्रक्रिया होने कहुई प्रत्येक ब्लक में 5टी सेशन एनएससी 5टी लेखाई सेशन पौर पर्षद 10टी महानगर निगम 20टी यही भाव में पाखापाखि 25-30टी सेशन मध्यम लोकों किभली कैंपेन मोड टीकाकरण होने गुरुत्व दिया सहित द्वितीय डोज को अधिक गुरुत्व देने स्वास्थ्य विभाग निर्देश देती सबुत बड़ कथा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज टार्गेट दिखाई आप दैनिक 3 लाख टार्गेट टीकाकरण करूँ प्रतिदिन 3 लाख टीकाकरण कराऊ तेरे जदि यही प्रक्रिया सफल हुए ओडिशा रे ताहले आम कही पार खूब शीघ्र ओडिशा रे टीकाकरण प्रक्रिया शेष हो पार पृथ्वी बाकी रहा सरकार ये जो टीकाकरण प्रक्रिया के त्वरान्वित करते व्यवस्था किभली सुव्यवस्थित भाव करें कारण पूर्व देखिए अनेक टीकाकरण केन्द्र में अभोग रही लोक मैंने लंबा समय धरी लाइन ढड़ा होती दीर्घ समय धरी लाइन ढड़ा सहित लंबा लाइन ढड़ा पड़ता है तो कोटा कोठी सरकार यहाँ किभली भाव में दिगरे नौकरी अर्थात किभली सुव्यवस्थित दिगरे करा समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपंकर तमाम सूचना।
राज्य में 24 घंटे 3577 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 571 नुआ केस सामना को आसी सेपटे कोरोना मृत्यु ने लगुनि ब्रेक पुणी 40 जीवन नेला भाइरस यहाँ मिसाई ओडिशा 3590 पहुंचला मोट मृत्यु संख्या 24 घंटे कटक और बरगड़ 5 जनकर जीवन नहीं भाइरस संबलपुर मयूरभंज और कोरापुट मध्य 4 जन लेखाएं मृतक रही अन्य जिला कटकु 407 जाजपुर 337 पुरी 237 और बालेश्वर 205 पॉजिटिव चिन्हट होते देश में ह्रास पावे लगी कोरोना आक्रांतों संख्या से हीपरी मृतकों संख्या भी कम रही गत 24 घंटे देश में कोरोन आक्रांत होती 58419 जन यहाँ मिसाई देश में मोट आक्रांतों संख्या 2,98,81,965 पहुंची से हीपरी 24 घंटे 1,576 जन जीवन नहीं महामारी यहाँ मिसाई देश में मोट 386,713 जन प्राण हर यहसह देश में टीकाकरण को भी जोरदार कर गत 24 घंटे 38,10,554 लोकों टीका दिजाई मिसाई मोट 27,66,93,572 टीकाकरण कर अक्टोबर सुधा भारत को आसीपे कोरोनार तृतीय लहर एने सतर्क रहा चेतावनी स्वास्थ्य विशेषज्ञ 40 जन विशेषज्ञ डॉक्टर वैज्ञानिक प्रोफेसर को नहीं एक सर्वे कर 85% बा 21-24 जन अक्टोबर सुधा तृतीय लहर आसवोली संकेत देपरी 3 जन अगस्ट और 12 जन सेप्टेम्बर में तृतीय लहर आसवा नहीं चेतावनी अन्य 3 जन विशेषज्ञ नवेम्बर फेब्रुआरी मध्य तृतीय लहर आसवर पूर्वानुमान करते तेज तृतीय लहर नियंत्रित रही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निर्देशक रणदीप गुलेरिया देश में व्यापक टीकाकरण जो संक्रमण हार कम द्वितीय लहर संक्रमण में लोकों ठारे प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि रणदीप तेज विशेषज्ञ सर्भे अनुजाई आउ वर्षे जाए महामारी प्रभाव रहा आसिया परवर्ती खबर को पंचभूत लीन है सुनामधन्य गायिका तपो मिश्र पार्थिव शरीर गतकाल रात चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु होता आज सत्यनगर स्थित श्मशान में तपो मिश्र शेषकृत संपन्न हो दीर्घ 28 दिन धरी हस्पिटाल चिकित्सित होगापर शेष निश्वास त्याग कर तपो कोरोन आक्रांत हो हस्पिटाल भर्ती होते और फुसफुस संक्रमण घटे स्वास्थ्य अवस्था संकटापन्न होता शनिवार रात परलोक घटी ओडिशार जड़े जनाशुना कंठशिल्पी वियोग में शोकर छाय खेली जा भी तो मत विश्वास होनी कि दीदी आम भितर ना बहुत ही कष्ट यहाँ भितरे नवा पड़ी सी बहुत भल समस्त मानने जहाँपाई मानने जी दुनिया को हसाए आज पूरा दुनिया तापाई कांदुची तो ये जे विश्वास होनी आने बहुत कथा कहीकि जाइला कि आसिले एमती करी तो दिस इज नॉट द राइट एज टू गो यहाँ एक्सेप्टेन्स हेनी यहाँ एक्सेप्ट प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करवा रुंतु यहाँ गोटे बहुत बड़ लॉस ये क्षति अपूरणीय क्षति या तो पूरण कर पारे किंतु तपु मिश्र जगह कहीं नहीं पारे सबुदिन से चीर स्मरणीय रे कलाकार के मरे ना केवल तार बडीटा जाए सब से अमर हो कलाकार कंठशिल्पी थे बहुत भल मनुष्य थे सहित पर्सनाली फैमिली सहित बहुत भल संपर्क हजबैंड सहित बहुत भल संपर्क तो ये जिन विश्वास करी हो निजे एमती किसी घटी वाला बोली आउ बपा किसी विशेष शब्द नहीं कहिया पाई जिस आ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आगो को देखिबा ले कमर्शियल ब्रेक परे ब्रेक परे स्वागत कटक कॉलेज छकरे हत्याकांड रास्ता कडरे सोइथिबा व्यक्ति को विभत्स हत्या घटनास्थल रे व्यक्ति को मृत्यु होइतिबा बळे जणे महिला गुरुतर आहत होइछन्ते विलंबित रात अघटन घटी घटनास्थल में पुलिस पहुंची शव व्यवच्छेद पठाई बेले गुरुतर महिला चिकित्सापी एससीबी पठाई उभय श्रमिक श्रेणीर लोक होता बेले प्रतिदिन कलेज छक
दोकान बारंटा सटे तेरे हत्याकांड में महिला स्वामी और आउ जड़े व्यक्ति सामिल थे डीसीपी सूचना देते गिरफ्त करने तदंत कर मालगोदाम थाना पुलिस मृतकों घर जगत सिंहपुर जिला राहमारे जमापड़े सेपटे घटनास्थल में पहुंचे विभिन्न प्रमाण संग्रह कर साइंटिफिक टीम इमिडिएटली पुलिस ये पहुँचला पहुँचला जमापड़ा कि से जो पुरुष अच्छी से ये स्पॉट रे डेथ कर जाए महिला को इमिडिएटली स्थानांतर करागला एससीबी को सीटी वर्तमान सर्जरी चलुच महिला जो आमको कहला कि दुज लोक जो भितर तार स्वामी और आउ जन लोक आसिकी ये असल्ट कर सागे रोला तार हजबैंड सागर झगड़ा ही कि से घर छाड़ी आसी जाता से मैं खोजुच और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे चलुच साइंटिफिक टीम को भी डकाई से आसिकी सब एविडेंस को कलेक्शन कर रायगढ़ जिला विषमकटक थाना चांचड़ागुड़े सड़क दुर्घटना पिकअप भ्यान चढ़ीगला ट्रक घटनास्थल में जनक मृत्यु होती विषमकटक पुलिस और अग्निशम कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिंट पिकअप भ्यानटी विषमकटक मुनिगुड़ा अभिमुखे जाता बेले सामनापट ट्रक आसी दुर्घटना घटाई नवरंगपुर पुणि 24 दादन श्रमिक उद्धार होती घटन दुई जन को गिरफ्त तेलंगाना एक घर बस अटक रखी पापड़ाहांटी पुलिस अन्य राज्य को दादन चलाण होता खबर पाई विलंबित राति में पापड़ाहांटा थाना अंतर्गत चांदिली ग्राम निकट में तामिलनाडु एक घर बस को अटक रखाई बस को जांच कर दुईज नाबालिका थी सूचना मिली यहसह तीन जन नाबालक रही बिना रजिस्ट्रेशन रे सेमाने तमिलनाडु राज्य को जाउतिबा जानिबा को पाइथिला पुलिस एने थाना रे दलाल को विरोध रे एक एतला देथिले अतिरिक्त श्रम अधिकारी गोपाल कृष्ण मंगराज गुड तमिलनाडु प्राइवेट बस जोगे आम एठिकार युवक युवती मान को दादन खटिया पई तमिलनाडु साइड को नेकी जाउछंती ए माने गां गां बुली की गुड चांदिली बुली गां अछि आम पापड़ानी थाना अंतर्गत सेठी जाइ से अटक रखिकी विभिन्न पिला फुसले कि जाते दादन खटापी आम खबर पाइला मुझे मो टीम रेड मारू रेड मारिकी से थाना को आणिक रखिलु आ जिमा दे चौबीस जन पिला फैमिली को जिमा देछु आ डीएल को डाक गोटे केस कराई दुई जन को अटक रखाई जून 24 रे महाप्रभु स्नान जत्रा आज सेवायत मानकर कोविड टेस्ट आरंभ हो बड़ दांतरे थिबा उत्कल हिंदी विद्यापीठ रे सेवायत मानकर स्वाब टेस्ट चली जून 22 तारीख जाए सकाळ 9टा रु संध्या 6टा मध्यरे स्वाब टेस्ट करा जिवो सेवायतंक सह श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारीकर मध्य स्वाब टेस्ट करबा को निर्देश देथिले राज्य सरकार एने पूरी श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना मिलछ केवल पुरी नुह राज्यर विभिन्न स्थान में भक्त शून्य रथजात्रा जोर धरला दावी कोरोना कटका भितर अन्य स्थान में रथजात्रा करने को रास्ता को ओह्ल महाप्रभु भक्त तेज गत वर्ष कोरोना जो पुरी में भी रथजात्रा करने को चाहन राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट निर्देश पर होता भक्त शून्य रथजात्रा पुरी सह अन्य स्थान भी बजाय रहू परंपरा रथारूढ़ हुंतु महाप्रभु रणपुर केन्द्रापड़ा बारीपदा नीलगिरी कोरापुट सबुटी भक्त शून्य रथयात्रा जोर धरला दाबी रास्ता को ओह्लैले भक्त ये चित्र नीलगिरी दीप जाली प्रतिभा जनाउछंति भक्त ये चित्र बारीपदार शंख घंट बजाई भक्त दाबी करुछि कटकणा भितर परंपरा बजाय रहु रीतिनीति भितर पुरी बाहर बिगड़ू महाप्रभु रथ ए केन्द्रापड़ा रथयात्रा को कोला पहाड़ बंद कर ना केन्द्रापड़ा रथयात्रा को मोगल बंद करनी पठाण बंद करनी केन्द्रापड़ा रथयात्रा को इंग्रेज बंद कर पारिनी ए मूर्ख सरकार जो बंद करने प्रयास परिणाम आग को भोग नीलगिरीवासी तरफ आम हाथ जोड़ी अनुरोध करचार करा जाओ नीलगिरी रथयात्रा अनुमति दि जाऊ कोविड गाइडलाइन अनुसार
ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି ବି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାକ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ସୁପ୍ରିମ ରାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କଲେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ପରି ଗତ ବର୍ଷ ବି ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ, ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଶେଷରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ, ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମାମଲା ବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଭୟଟା କ'ଣ? କରୋନାର ଭୟ, ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ସଂକ୍ରମଣ କାହିଁକି ହେବ? ଆମେ ବା କରୋନା ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି କରିବା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ କାହାକୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଗତ ବର୍ଷ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏଥର ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ହେଲେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଏ ବୈଠକ କେତେବେଳେ ବସିବ, କ'ଣ ସମୟ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? ଆଲୋକ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈଠକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଠକରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ନୀତି ରହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ରହିବ ସମୟ ସୀମା, ତାର ଆଜି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାତି ଗୋଟେରୁ, ଅର୍ଥାତ 23 ତାରିଖ ରାତି ଗୋଟେରୁ ପହଞ୍ଚି କରିବାକୁ, ତ କିଭଳି ଭାବେ ସମୟ ସୀମା ରହିବ, ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟର ସମୟ କ'ଣ ରହିବ, ତାହା ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୈଠକରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମାଧୁରୀ, ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଭାବରେ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଆଜି ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ସରିବ, ସେତେବେଳେ ହାତୀବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ହାତୀବେଶ ବେଳେ କିଭଳି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କହିପାରିବା ଦିବ୍ୟ ହାତୀବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ କହିପାରିବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର 15 ଦିନ
निश्चित भाव चारोटि पर्यायर कोविड टेस्ट कर तो निहत भाव बैठक गुरुत्वपूर्ण बहन किछिटा दिन पर घोषयात्रा अच्छी अर्थात स्नान पूर्णिमा अच्छी से बेस चलचंचल होता बेले पुरी और वर्तमान बैठक बसीचे बैठक में आशा कर कि श्रृंखलित भाव दर्शन हो श्रृंखलित भाव पूरा कार्य समापन हो आशा करने बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपंकर तमाम सूचना समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।